Good morning, students. Welcome in the next lecture of Pharmaceutics 1. Now we are going to start our next chapter, that is extraction processes. Extraction processes. ये अब ऐसा chapter आपका start होगा जो आप जो practicals perform कर रहे हो, जैसे आप लोग olive nature बना रहे हो, vineyard nature बना रहे हो, अब उन सारे practicals से related ये chapter start हो रहा है. क्योंकि आप लोग ने क्या कर रहे हो, crude drug से ही active constituent को आप तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस. सबसे पहले तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन में भी डिफाइंड एज द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट और एनिमल टिश्यूज विद सॉल्वेंट वेयर बाय मेडिसिनली एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स आर डिसॉल्व एंड मोस्ट ऑफ द इनर्ट मैटर रिमेंस अनडिसॉल्व. अब इस बात का मतलब क्या है कि हम कोई भी जो हमारी क्यू ड्रग्स है जो प्लांट ओरिजिन की है, जब कोई एनिमल टिश्यू उसको हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करते हैं. और जब आप सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करते हो तो जो मेडिसिनल एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होता है उस ड्रग के अंदर, वो जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो डिसॉल्व हो जाता है. और जो इनर्ट मैटर होता है, जब जो इनर्ट मैटर है जो मेडिसिनल एक्टिव नहीं है हमारे लिए, वो अनडिसॉल्व सॉल्वेंट के अंदर रह जाता है. तो मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट है मेडिसिनली एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, तो वो जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, वो हमें मिल जाता है सॉल्वेंट के थ्रू. और इनर्ट मैटर जो है वो अनडिसॉल्व रह जाता है. अब जब ये हम प्रोसेस जो है कंडक्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस में जो है हम अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट जो है हम यूज करते हैं. तो सबसे पहले कॉमनली यूज जो होने वाला सॉल्वेंट है, दैट इज वाटर. अब वाटर जानते ही हैं आप कि वाटर जो है मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड सॉल्वेंट है. रीजन क्या है कि आप जानते हैं वाटर जो है इजीली अवेलेबल है, इसका हमें कोई नुकसान नहीं है. वाटर के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि ये जो है बहुत सारे जो जैसे प्रोटीन है, कलरिंग मैटर है, गम्स है, लाइकोसाइट्स है, शुगर्स है, एल्कलाइड सॉल्ट्स है, एंजाइम्स है, ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक सॉल्ट, इनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है. जो वैक्सेस हैं, फैट्स हैं, फिक्स्ड ऑयल हैं और कुछ एल्कलाइड जो हैं वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं. बेसिकली हम जो भी सॉल्वेंट यूज करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है सॉल्वेंट के लिए, कि वो जो भी आपके टिश्यूज हैं एनिमल या प्लांट ओरिजिन के जो हैं, आपने ड्रग लिया जो ड्रग, उसके जो टिश्यूज हैं उनके अंदर वो पेनिट्रेट करे. ठीक है, पेनिट्रेट करके जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है उसको अपने अंदर डिसॉल्व करे. ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है. और जो वाटर है बहुत हद तक इस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है. तो वाटर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. सबसे पहली चीज, इजिली अवेलेबल है तो चीप है, ये इसका एडवांटेज है. सेकेंड क्या है कि वाटर का मैंने आपको बताया कि अपने अंदर इतनी सारी चीजें डिसॉल्व कर लेता है, तो इसलिए इसका वाइल्ड सॉल्वेंट एक्शन है. थर्डली क्या है कि देखिए हमारी बॉडी का ही 70% पोर्शन वाटर का बना है, तो ये हमें क्या नुकसान करेगा, नॉन टॉक्सिक होता है और नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, ये बर्न नहीं होता है, आग नहीं पकड़ता है. ये तो है इसके एडवांटेजेस. अब है वाटर के डिसएडवांटेजेस. ये अपने अंदर बहुत वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है जो अनडिजायरेबल है. तो ये क्या करता है कि ये जो प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत सारी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, इसलिए ये जो प्रोडक्ट की जो क्लैरिटी है उसमें इंटरफेयर करता है. इवन कुछ प्रोडक्ट्स में फर्मेंटेशन भी कॉज हो जाती है अगर हम वाटर के साथ प्रोडक्ट को रखते हैं, कुछ में जो है डीकम्पोजिशन भी हो जाती है. ठीक है, ये वाटर की कमी है. सेकेंड क्या है कि आप जानते हैं यहाँ पर भी वाटर होगा वहाँ फंगस की ग्रोथ हो सकती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है. इसलिए अगर आप एक्सट्रैक्शन वाटर से कंडक्ट कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई जो है प्रिजर्वेटिव साथ में डालना पड़ेगा. थर्ड क्या है कि वाटर बहुत सारे सब्सटेंसेस की हाइड्रोलिसिस कॉज कर देता है, प्रोडक्ट आपकी खराब हो जाती है हाइड्रोलिसिस से. और फोर्थ क्या है कि आप जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो अगर आपने वाटर की बनाई प्रोडक्ट को कंसनट्रेट करना है तो आपको वाटर को इवेपोरेट करना पड़ेगा. तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत लार्ज अमाउंट में हीटिंग करनी पड़ेगी, लार्ज अमाउंट हीट की आपको चाहिए, यानी एनर्जी वेस्टेज इसकी प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन में बहुत ज़्यादा हाई है.
तो ये है वाटर के डिसएडवांटेजेस। अब हमारा सेकंड सॉल्वेंट पॉपुलर है दैट इज अल्कोहल। अल्कोहल क्या है? अल्कोहल आप जानते हैं बहुत कॉमन, इथाइल अल्कोहल की बात करें हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन में ये यूज होता है। ये किस चीज का सॉल्वेंट है? ये एल्केलॉइड्स को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, एल्केलॉइड सॉल्ट्स को, ग्लाइकोसाइड्स को, वोलेटाइल ऑयल्स को और एसिड्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। बट अल्कोहल जो है बहुत सारे कार्बन मेटल्स को भी अपने अंदर डिसॉल्व करता है, टैनिंस को भी करता है, ऑर्गेनिक एसिड और सॉल्ट्स को भी डिसॉल्व करता है। और इसके अलावा ये अपने अंदर एल्ब्यूमिनस मैटर, गम्स, वैक्सेस, फैट्स, फिक्स्ड ऑयल और शुगर को नहीं डिसॉल्व कर पाता। ये है जो उसका जो सॉल्वेंट एक्शन की रेंज है अल्कोहल की। अब आते हैं अल्कोहल के एडवांटेजेस। अल्कोहल के क्या एडवांटेजेस हैं? कि जो मोल्ड और बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो कभी भी जो है इसमें नहीं हो पाती है अल्कोहलिक जो सोल्यूशन है। मतलब आप किसी प्रोडक्ट को अगर अल्कोहल को यूज करके एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसमें जो है अगर आपने अल्कोहल की कंसंट्रेशन 20% ज़्यादा ली है तो अल्कोहल जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट होगा उसमें मोल्ड या बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि इन द कंसंट्रेशन मोर देन 20% अल्कोहल एक्ट्स एज सेल्फ प्रिजर्वेटिव। ये इसका एक मेन एडवांटेज है। दूसरा क्या है कि ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है तो इसलिए जो भी प्रोडक्ट्स जो आप बनाते हैं अल्कोहल को यूज करके वो प्रोडक्ट्स बाकी प्रोडक्ट्स के साथ कंपेटिबल होती हैं। थर्ड क्या है कि जिस कंसंट्रेशन में हम अल्कोहल को यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो जो कंसंट्रेशन होती है वो नॉन टॉक्सिक होती है, हमारी बॉडी में उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आते हैं, मेजर साइड इफेक्ट। फोर्थ क्या है कि आप जानते हैं कि अल्कोहल तो वॉलेटाइल इन नेचर है, वो तो रूम टेम्परेचर में भी इवेपोरेट हो जाता है। तो अगर आपने किसी अल्कोहलिक प्रोडक्ट को कंसंट्रेट करना है तो आपको बड़ी कम अमाउंट में हीट चाहिए। और लास्ट क्या है कि अल्कोहल का जो सॉल्वेंट एक्शन है एज कम्पेयर टू वाटर इज सिलेक्टिव है, ये हर एक्टिव कंसिटेंट को डिजॉल्व नहीं करता। ये हो गए अल्कोहल के एडवांटेजेस। इसीलिए हम अल्कोहल को ज़्यादा यूज करते हैं इन्फेक्शन प्रोसेसेस में। बट अल्कोहल का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, इट इज एक्सपेंसिव। अल्कोहल की कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी जो फाइनल प्रोडक्ट होती है कॉस्टली बन जाती है, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल की जो कॉस्ट है उसके अंदर ऐड हो जाती है। अब हम कुछ टर्म्स बोलेंगे जो हमने रिपीटेडली यूज करनी है जब हमने ये चैप्टर पढ़ना है। स्टूडेंट्स इस चैप्टर से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ना आपने इस चैप्टर को क्रैक करना है। इस चैप्टर को समझ के आप याद करिए, बहुत ईजी चैप्टर है। तो कुछ टर्म्स जो हम यूज करते हैं, जैसे हम मेंस्ट्रुअल टर्म यूज करते हैं, जो सॉल्वेंट है नॉर्मल चैप्टर्स में जो वर्ड सॉल्वेंट है तो वो जो सॉल्वेंट वर्ड जब आप एक्सट्रैक्शन में यूज करेंगे सॉल्वेंट की जगह आपने टर्म यूज करनी है मेंस्ट्रुअल। मतलब जो एक्शन सॉल्वेंट का है वो भी एक्शन मेंस्ट्रुअल का है। जैसे अल्कोहल जो है यहाँ पे मेंस्ट्रुअल यूज होगा। आप लोगों ने प्रैक्टिकल फाइल में भी जो प्रैक्टिकल लिखे हैं वहाँ आपने वर्ड यूज किया है मेंस्ट्रुअल। तो मेंस्ट्रुअल वर्ड जो है वो सॉल्वेंट के लिए यूज हो रहा है। जैसे आप लोगों ने ऑरेंज मिक्सर बनाया है लैब में तो उसमें हमने जो अल्कोहल डाला है ऑरेंज पील को आपने अल्कोहल के अंदर डिजॉल्व करके रखा है, डिप करके रखा है, तो मैसिनेट करके रखा है, तो वो जो अल्कोहल है दैट इज यूज्ड एज मेंस्ट्रुअल। दूसरा वर्ड आता है मार्क। जब आप फिल्टर करते हैं जितना भी इनसॉल्युबल मटीरियल आपके फिल्टर पेपर के ऊपर आता है दैट इज नोन एज मार्क। फिल्टर की एक नहीं बोलेंगे उसको हम मार्क बोलेंगे, यहाँ पे इस चैप्टर में उसको मार्क बोलेंगे। एक टर्म यूज होती है जेनेटिकल्स। जेनेटिकल जो है जितनी भी प्रेपरेशन आप एक्सट्रैक्शन से बनाते हैं, अलग अलग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं जेनेटिकल्स, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स हमारी अलग अलग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से बनती हैं, जैसे स्पिरिट है, एलिक्सर है, एक्सट्रैक्ट है, इन्फ्यूजन है, डिकॉक्शन है, इनके लिए हमने जो कॉमन टर्म रखी है दैट इज जेनेटिकल, ठीक है। अब हम आ रहे हैं अलग अलग प्रोसेसेस के ऊपर। 5 प्रोसेसेस हैं जो हम यूज करते हैं इसके लिए एक्सट्रैक्शन के लिए। फर्स्ट इज इन्फ्यूजन, सेकंड इज डिकॉक्शन, थर्ड इज मैसिनेशन, फोर्थ इज परकोलेशन एंड फिफ्थ इज डाइजेशन। तो हम लोग एक एक करके ये प्रोसेसेस स्टडी करेंगे
बॉइलिंग वाटर भी यूज कर सकते हो, हॉट वाटर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए पेनिट्रेशन है टिश्यूज में वो बेटर होगी और उसका सॉल्वेंट एक्शन जो है कोल्ड वाटर से बेटर होगा। ठीक है, तो ये है इन्फ्यूजन की प्रोसेस। इन्फ्यूजन की प्रोसेस के लिए नॉर्मल अपरेटस जो है आपका वो कॉफी पॉट, टी पॉट, ऐसे कोई भी अपरेटस हो सकता है। आपने क्या करना है, उसके अंदर ड्रग प्लेस कर देनी है, ऊपर से आपने वाटर डाल देना है, 15 मिनट्स के लिए रख लेना है, बीच में आपने वेपर स्टिरिंग कर देनी है और उसके बाद आपने उसको फिल्टर कर लेना है। इसके अलावा अगर आपने लैब में कंडक्ट करना है तो एक और जो है आपका सिंपलेस्ट अपरेटस जो हम यूज करते हैं वो क्या है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम मसलिन, मलमल का कपड़ा जानते ना, मसलिन क्लोथ का एक छोटा सा बैग बनाते हैं टोटली, उसके अंदर ड्रग को हम बांध देते हैं। ठीक है, ड्रग एनक्लोज कर देते हैं मसलिन बैग के अंदर और हम बीकर में वाटर प्लेस कर देते हैं और इस मसलिन बैग को इसके अंदर हम छोड़ देते हैं। ठीक है, वाटर का जो लेवल होता है उसको थोड़े नीचे जब हम जो है उसके अंदर जो हम उसको सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको स्टीरिंग की भी जरूरत नहीं है। क्यों, क्या होता है कि देखिए ये जो मशीन बैग के आसपास का जो वाटर है वो पहले ब्लड कंस्टिट्यूएंट को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। डिसॉल्व करने पर क्या होगा, वो हैवी हो जाएगा और आपको पता है कि हैवी लेयर्स हमेशा डाउनवर्ड मूव करेंगी। तो क्या होगा, हैवी लेयर्स नीचे जाएंगी और साथ में जो फ्रेश वाटर होगा उसकी जगह ले लेगा, ऐसे रिप्लेसमेंट होती रहेगी, सर्कुलेशन ऑफ वाटर है अपने आप होता रहेगा कि जो हैवी लेयर बनना है जो वाटर की उनकी जगह फ्रेश वाटर लेता रहेगा। ऑटोमेटिक सर्कुलेशन से क्या होगा, आपको स्टीरिंग की भी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है मोस्टली हम हॉट वाटर के केस में कंडक्ट करते हैं, जो कूलिंग लेयर्स होगी वो नीचे से आती जाएंगी, उनकी जगह और हॉट वाटर जो है वो जो है रिप्लेस करता जाएगा इस तरीके से आपको। और यहाँ पर फिल्टर करने की भी आपको खास जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक मेथड है इन्फ्यूजन बनाने का। इसके अलावा स्पेशल पॉट्स आते हैं जिनको इन्फ्यूजन पॉट बोला जाता है। इन्फ्यूजन पॉट बेसिकली क्या होते हैं, ये जो होते हैं मोस्टली पोर्सलिन वगैरह के पॉट होते हैं और इनमें एक परफोरेटेड शेल्फ रखी होती है। परफोरेटेड शेल्फ, एक शेल्फ होती है अंदर जिसमें थोड़े से ऐसे पोर्स होते हैं, आपने ये ड्रग है उसके ऊपर रखनी है। ठीक है, इसे शेल्फ के ऊपर रखनी है और इसमें कोई पॉट को आपने वाटर से फिल कर देना है। सेम प्रोसेस उसमें भी कंडक्ट होगी, अपने आप वाटर की जो लेयर्स हैं वो जो है सर्कुलेट होती रहेंगी। जो शेल्फ है वो आपने वाटर के लेवल से थोड़ी सी नीचे एडजस्ट करनी है ताकि वाटर की जो लेयर्स हैं अपने आप सर्कुलेट होती रहे। ठीक है, इस मेथड से आप दो तरह के इन्फ्यूजन बना सकते हो, फर्स्ट इज फ्रेश इन्फ्यूजन, सेकेंड इज कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन। फ्रेश इन्फ्यूजन, फ्रेश इन्फ्यूजन जो है ये बेसिकली क्या है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्टिव कंसंट्रेट ऑफ वेजिटेबल ड्रग। ठीक है, इन्फ्यूजन मेथड से बनी हुई एक एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वेजिटेबल ड्रग। ठीक है, एक्टिव कंसंट्रेट ऑफ वेजिटेबल, किसी भी वेजिटेबल ड्रग के अंदर जो एक्टिव कंसिस्टेंट है उसका एक्वस सॉल्यूशन है। और हमने इसको कैसे बनाया है, हमने इसको इन्फ्यूजन के मेथड से बनाया है। तो उसकी एग्जांपल है फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ क्वासिया। ठीक है, मोस्टली हम जब फ्रेश इन्फ्यूजन बनाते हैं तो हम कोर्स पाउडर जो है उसको हम यूज करते हैं और वाटर को हम एज कैल्शियम यूज करते हैं। ठीक है, वाटर की पेनिट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है, वो इस ड्रग के जो टिश्यूज होते हैं उनके थ्रू पेनिट्रेट होता है और एक्टिव कंसिस्टेंट्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन, ये जो फ्रेश इन्फ्यूजन आप बनाते हैं इसको आपने विद इन 12 आवर्स यूज कर लेना होता है। इससे ज़्यादा अगर आप रखते हैं तो इसके स्पॉयल होने के चांसेस रहते हैं, इसमें बैक्टीरिया या फंगस की ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, सेकेंड है कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन। कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन जो है वो बनती है डबल और ट्रिपल मैसिगेशन प्रोसेस से। नेक्स्ट लेक्चर्स में आपने वो प्रोसेसेस पढ़नी है, डबल मैसिगेशन, ट्रिपल मैसिगेशन। जो कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन होती है वो फ्रेश इन्फ्यूजन से 8 times स्ट्रॉन्गर होती है, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, 8 times वो स्ट्रॉन्गर होती है। इसलिए जो कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन से अगर आपने फ्रेश इन्फ्यूजन बनानी है तो आप क्या करते हैं, एक पार्ट जो है आप एक वॉल्यूम जो है
बन जाती है आपकी फ्रेश इन्फ्यूजन, ठीक है। और ये जो होती है इसमें अल्कोहल, कंसेंट्रेटेड इन्फ्यूजन में अल्कोहल हम यूज करते हैं इन द कंसेंट्रेशन 20-25%, ठीक है। तो वहां पर बैक्टीरिया या मोल्ड की ग्रोथ होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। उसकी जो एग्जाम्पल है दैट इज कंसेंट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ क्वासिया, कंसेंट्रेटेड कंपाउंड इन्फ्यूजन ऑफ जिराटा, ये है एग्जाम्पल कंसेंट्रेटेड इन्फ्यूजन की। अब आती है डिकॉक्शन प्रोसेस। पहले आपने इन्फ्यूजन डिटेल में पढ़ी, ठीक है, इन्फ्यूजन के ऊपर शॉर्ट नोट आता है। अब है डिकॉक्शन। डिकॉक्शन जो है इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम क्रूड ड्रग लेते हैं और उसको हम वाटर के साथ 10 मिनट्स के लिए बॉइल करते हैं, मिनिमम 10 मिनट्स, इससे ज्यादा भी बॉइल हम कर सकते हैं। बॉइल करने के बाद आप उस लिक्विड को स्ट्रेन करते हैं और फिर वाटर को पास करके उसका जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है उसको आप मेकअप करते हो। अब ये जो प्रोसेस है ये मोस्टली आप कहाँ यूज करते हो, यहाँ पे हार्ड और वुडी ड्रग्स होती है, ठीक है। हार्ड और वुडी ड्रग्स के लिए ये यूज होती है और इनके अंदर जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है दैट शुड बी थर्मोस्टेबल। थर्मोस्टेबल कि आप हीटिंग भी करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई नेगेटिव इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपकी डिकॉक्शन की प्रोसेस। अब है आपने देखिए इन्फ्यूजन आपने पढ़ लिया, डिकॉक्शन आपने पढ़ लिया। अब पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत बार पेपर में 4 मार्क्स में आपको डिफरेंस की फॉर्म में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस हमेशा आपने पॉइंट्स बना के लिखना है। सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा कि जो इन्फ्यूजन है उसमें हम मोस्टली कोल्ड और बॉइलिंग वाटर यूज करते हैं, हॉट वाटर या कोल्ड वाटर हम यूज करते हैं एज मेंशन। और जो डिकॉक्शन है उसमें हम क्या करते हैं, ड्रग इज बॉइलिंग वाटर, ठीक है, ड्रग को हम वाटर के साथ बॉयल करते हैं। सेकेंड क्या है कि जो इन्फ्यूजन है उसमें हम कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं जिनके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, और डिकॉक्शन में हम कौन से यूज करते हैं जिनके अंदर हार्ड और वुडी टिश्यूज होते हैं, ऐसी ड्रग्स को हम यूज करते हैं। जो इन्फ्यूजन होती है उनके अंदर जो ड्रग कंसिस्टेंट्स होते हैं वो वॉलेटाइल हो सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे डिकॉक्शन है क्योंकि उसमें हमने बॉइलिंग करनी है उसमें ये ड्रग कंसिस्टेंट्स है वो नॉन वॉलेटाइल होने चाहिए। इसमें इन्फ्यूजन में हम फाइनल वॉल्यूम मेकअप नहीं करते हैं, डिकॉक्शन में हम फाइनल वॉल्यूम को मेकअप करते हैं। और इन्फ्यूजन में क्या होता है कि जब आप बॉइलिंग वाटर को यूज करते हैं तो आप क्या करते हैं कि कवर कर लेते हैं कि जो हीट का लॉस होता है एटमॉस्फेयर को आप उसको प्रिवेंट करने के लिए जो आपका वेसल है उसको ऊपर से क्लोज से कवर कर लेते हैं, ठीक है। और इधर क्या है डिकॉक्शन में हम तो कॉन्स्टेंट बॉइलिंग कर रहे हैं तो इसलिए वहां पे ऐसी भी कोई प्रिकॉशन की जरूरत नहीं होती है। दूसरी चीज क्योंकि आपने फाइनल वॉल्यूम पूरा करना होता है तो अगर वाटर वेपर हो भी गया कोई बात नहीं, आपने फाइनल वॉल्यूम बाद में पूरा कर लेना है, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम को लास्ट में आप एडजस्ट कर लेते हो। तो ये 5 डिफरेंस है, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में डिफरेंस आते हैं, ठीक है। तो आपने जैसे कि जनरल पढ़ना है, इन्फ्यूजन पढ़ लिया आपने डिटेल में, डिकॉक्शन पढ़ लिया, बट आपने इनके डिफरेंस रटने नहीं है, जैसी प्रोसेस आपने पढ़ी है खुद आपने डिफरेंस होकर लिख लेने हैं। थैंक यू।